रोम में एक बार बबोनिक नाम से एक संक्रमण फैल जाता है और वो संक्रमण इतनी तेज गति से फैलता है कि लोगों को मृत्यु के घाट पहुंचाने लगता है। दरअसल जब वो संक्रमण बॉडी में फैलता था तो लोगों को छींके आने लगती थी, खांसने लगते थे, सरदर्द होने लगता था। तो जब ये संक्रमण इतनी तेज गति से फैलने लगा, लोग निरंतर मरने लगे, तो जो उस समय पोप हुआ करते थे ग्रेगरी, तो जब भी किसी को छींक आती थी तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे, गॉड ब्लेस यू बोलकर, कि ईश्वर इसको बचा लो। गॉड का मतलब जीसस, जीसस इसको बचा लो, क्योंकि जब छींक आती थी तो इसका मतलब ये था कि बॉडी में वो संक्रमण फैल गया है। प्राइमरी स्टेज ही यही हुआ करती थी कि छींक आने लगती थी, तब वहां के जो पोप ग्रेगरी होते थे वो कहते थे कि इसको बचा लो, गॉड ब्लेस यू, प्रार्थना किया करते थे। तभी से गॉड ब्लेस यू प्रचलन में आने लगा है। आज भी जब किसी को छींक आती है तो लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। ये गॉड ब्लेस यू आया कहां से है? ये रोम से चलते हुए। और इसका दूसरा कारण ये होता है कि जब आपको छींक आती है तो आपकी आत्मा आपके शरीर से 2 सेकंड के लिए अलग होती है, तो जब अलग होती है उस समय कहीं दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश ना कर दें, इसलिए भी गॉड ब्लेस यू बोला जाता है। मगर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब आपको छींक आती है तो आपका जो हृदय है वो 1 सेकंड के लिए काम करना बंद कर देता है, तो भी लोग गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि आप ठीक हो, आप ठीक रहे, आपकी आयु लंबी हो। तो ये 3 कारणों से लोग जब छींक आती है तो गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। परंतु जो पहला कारण है रोम वाला, बबोनिक वाला, वो एक मुख्य कारण बताया गया है। आज भी ऑफिसेस में जब लोग छींकते हैं तो साथ वाले लोग गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, परंतु मतलब पता ही नहीं है कि गॉड ब्लेस यू बोल क्यों रहे हैं। तो इसका कारण ये है।